नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन मंडल और बात करते हैं जो धनबाद में एडीजे 8 की जो सड़क दुर्घटना में हादसा या मौत या क्या कुछ हुआ था उसको लेकर धनबाद में एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। इसी क्रम में लगभग 200 से 250 ऑटो को धनबाद थाना बुलाया गया है और क्या कुछ ये लोग के साथ पूछा जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, हम सीधे इन लोग से जानना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग को किस मतलब हिसाब से बुलाया गया? देखिए सर, मैं तो कागज पत्र सब ओके है, लाइसेंस खरी नहीं था। क्या बोल के आप लोग उठाया? मेयर बैंक मोड़ थाना में ये गाड़ी खड़ा था, उसके कारण गाड़ी पकड़ लिए। क्या बोल के उठाया? क्या बोले, थाना ले चलो, वहाँ पर विचार होगा। थाना ले चलो वहाँ पर, हम मेरा पास खाली लाइसेंस नहीं था, बस और भी वो लोग को बोले कि सर और भी है, उनसे भी हम जानना चाहते हैं। अच्छा आप बताइए क्या कुछ मामला है पूरा, आप लोग का जो जिस तरह से उठाया गया, खुल के बोलिए। ये बदले की भावना है, कोई क्राइम किया और किसी निर्दोष को पकड़ा जाता है। अच्छा, आज 10 बजे दिन को हम गाड़ी लेके आए हैं और कम से कम एको मिनट तो चाहिए हमको सवारी उतारने के लिए, फुटकी में रंगाटन में अपना जगह पर जाकर गाड़ी खड़ा किया। तब तक पुलिस वाला आया, डंडा लेके बोला भागो भागो, सवारी सब उतर के भाग गया, हम अपने अपना चल आए। उसके बाद फिर दोबारा जब आए तो बोले चलिए गाड़ी वहाँ पर लेके चलिए। मेरा बेटा चला रहा था, हम डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए आए थे, देखिए मेरे पास डॉक्टर का कागज, और बेटा पुलिस को देख के भाग गया, लेकिन मेरा गाड़ी पकड़ करके यहाँ पर ले आए। ये मेरा अभी कोरोना से पीड़ित हैं हम, मेरा बहुत दयनीय दशा है। डॉक्टर देखिए इतना दिन से दिखा रहे हैं डॉक्टर को, ये देखिए बीके ठाकुर यहाँ से दिखा रहे हैं डॉक्टर को। कोरोना पॉजिटिव है? हाँ, अभी हैं, फिलहाल नहीं है, ठीक हो गए हैं, पहले थे। ये स्थिति है, कोरोना लेकर के हम लोग गरीब आदमी परेशान है, ऑटो चालक है हम लोग, किसी का लाइसेंस फेल है, किसी का परमिट फेल है, किसी का इंश्योरेंस फेल है, तो हम लोग आम पब्लिक गरीब आदमी क्या करे, बोलिए। आम पब्लिक का सेवा में हम लोग ऑटो चलाते हैं रोड में, इससे हम लोग घर का चूल्हा भी जलता है। आज क्या हुआ आप लोग? आज हुआ ये कि हम लोग मतलब गाड़ी लेकर के निकले अपना घर से, हमारा गाड़ी भास्कर प्रेस में भी चलता है, वहाँ से हम लोग गाड़ी लेकर निकले। निकलने के बावजूद हम लोग रोड पर आए तो प्रशासन गाड़ी रुकवा लिए, रुकवाने के बाद बोले कि लाइसेंस दिखाइए और पेपर दिखाइए, तो पेपर सब अप टू डेट था हमारा, लाइसेंस घर पर था, लाइसेंस लेकर के आए, बोले 4 बजे बड़ा बाबू बैठेंगे, 4 बजे आप मीटिंग में आइए, वहाँ पर बात होगी। तो हम लोग 4 बजे से बैठे, अब बोले 7 बजे शाम को मीटिंग होगा, बात होगा। कितना ऑटो को पकड़ा गया? कम से कम 250 ऑटो है अभी मिनिमम, उससे ओवर ही होगा, कम नहीं होगा। लॉकडाउन लग गया तो उसके मतलब किसी का लाइसेंस फेल हो गया, रिन्यूअल नहीं करा सका, तो उसमें बोला लाइसेंस देखा नहीं है, लाइसेंस तो पकड़ के लिया है गाड़ी, पेपर फेल है, किसी इंश्योरेंस है, किसी भी टैक्स फेल है, उसके लिए यहाँ लिया था पकड़ के, और सब तरह का दिक्कत हो रहा है समझे। हम लोग का सुबह 9 बजे से यहीं खड़े हैं, भूखे प्यासे, अभी तक खाना नहीं खाए हैं समझे। सभी ड्राइवर यहाँ करीब 150-200 के ऑटो है यहाँ पे खड़ा, सब ड्राइवर है यहाँ पे। तो जैसे कि आपने सुना, लगभग 200 से 250 ऑटो वाले को यहाँ उठाया गया और सबकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, और उन लोगों का कहना है कि कोरोना काल में हम लोग न ही गाड़ी का पेपर बना पाए थे, जिसके कारण यहाँ प्रशासन के द्वारा उन लोग को उठाया गया है। और बताया जा रहा है कि एक बार 4 बजे इन लोग को बुलाया गया था, फिर संध्या 7 बजे बुलाया, तो इन लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं। वहीं धनबाद में जिस तरह से ये मौत का मामला आया है, वो लगातार धनबाद में इसकी छापेमारी भी कर रही है और हर लोगों से जांच पड़ताल की जा रही है। धनबाद से लाइव लगातार के लिए अर्जुन मंडल। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।